अव्यवस्था और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर मुंगेली में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले कई वादे किए थे, लेकिन सरकार बनते ही अपने वादों से मुकर गई। वहीं उन्होंने ऐलान भी किया है कि 22 जनवरी को प्रदेश स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में मुख्यालय, जितने 28 जिले 2500 जिले में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के जो वादा खिलाफी को लेकर के और आज जो किसान त्राही त्राही हो रहे हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता किसान को लेकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। ये सरकार लगातार वादा खिलाफ कर रही है। अभी धान खरीदी का समय चल रहा है पर सरकार कतई गंभीर नहीं है। किसान परेशान है, बड़ी मात्रा में किसानों का रकबा काटा गया है। गिरदावरी करके सरकार के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक किसानों का रकबा काटा गया है और उसके भी किसानों से कहा गया कि हम रकबा में संशोधन करेंगे। सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद भी एक भी किसानों का रकबा नहीं जोड़ा गया है। यानी सरकार सीधा सीधा रकबा काट करके कम धान खरीदना चाहती है।